आज मैं रेमेडी बता रही हूँ। आज मेरे पास है आप लोगों के लिए गोल्डन ग्लो ट्रीटमेंट। ये एक ऐसा फेस पैक बन जाएगा जिसको आप स्टोर करके काफ़ी महीनों तक रख सकते हैं अपने पास, और इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लगाना है। हर एज ग्रुप इसको यूज़ कर सकता है, और मेल और फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके फ़ायदे आपको क्या होंगे, सबसे पहले तो ये आपके कलर के कलर को निखारेगा, आपके फेस से पिगमेंटेशन को दूर करने के साथ साथ जो रिंकलिंग होती है उसको भी ठीक कर देगा, और जो स्किन सैगिंग होती जाती है, मीन लैक्सिटी आ जाती है आपकी स्किन वक्त के साथ साथ, या धूप की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, अगर आपने वेट बहुत ज़्यादा लूज कर लिया होता है तो उस वजह से भी अक्सर ढलक सी जाती है गर्दन के पास से, आपकी जॉ लाइन, आपकी नीजोलेबल फोल्ड्स, ये सब इस तरह से इनवर्ड्स ड्रूप हो रहे होते हैं, तो ये उसको भी लिफ्ट करेगा। इसके जो मेजर इन्ग्रीडियंट्स हैं मैं पहले वो बता देती हूँ कि आपने इसको स्टोर करके कैसे रखना है। ये वही मास्क है जो मैं अपने क्लिनिक पे HN ग्लो के नाम से पैकेट्स में सेल होता है, ये सेम वही मास्क है जो आप आराम से घर पे भी बना सकते हैं। तो ये क्योंकि ईद भी आने वाली है तो ये आप लोगों के लिए एक होम मेड एक रेमेडी हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा, चावल का आटा 2 टेबल स्पून मेरे पास है। ठीक है, मूंग की दाल का आटा ये भी 2 ही टेबल स्पून मेरे पास है। मसूर की दाल का आटा 2 टेबल स्पून है, और इसी के साथ साथ मिल्क पाउडर ये भी 2 टेबल स्पून, ये सब 2 टेबल स्पून है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कितना अपने पास स्टोर करके रखना है, बहुत इजी है, क्वांटिटी सबकी इक्वल है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि कितना था। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, चावल का आटा 2 टेबल स्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, मूंग की दाल का पाउडर ले लें, आटा, आटे की अगर जो बिल्कुल ये पतले से ग्रैन्यूल्स हैं, आप इसके देखें कि ये बिल्कुल बारीक स्क्रब की तरह है, कि हार्श नहीं है, कि आपके फेस पे नेक पे हार्श नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, इसी तरह मूंग की दाल है ये येलो वाली, और ये मसूर की दाल है ऑरेंज वाली। मसूर की दाल में जो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट मौजूद होता है, हम और आप, हमारी बहनें, हमारी फ्रेंड्स सैलॉन्स में जाके ब्लीच क्रीम्स लगवाते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड जो है ना वो स्क्रीन पर भी आपके दिया गया है, रेसिपी कार्ड को आप फॉलो कर सकते हैं, रेमेडी कार्ड को फॉलो कर सकते हैं।